जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ मार्च महीने का मासिक राशिफल, यानी इसको हम कहते हैं मंथली हॉरोस्कोप या मंथली प्रेडिक्शन। आपकी राशि से मार्च के महीने में ग्रहों का गोचर कैसा रहने वाला है, ये सब कुछ बहुत ही खास तरीके से मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, यानी राशि के हिसाब से देखते हैं हम गोचर को, और गोचर ही आपका मासिक राशिफल। इस महीने ग्रहों की स्थिति क्या होगी, कौन सा ग्रह किन भाव में बैठकर आपको क्या देने वाला है, और उसका आपके जीवन के स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, लाभ, विवाह पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इस महीने बनेगा सूर्य राहु का ग्रहण दोष और बुध राहु का जड़त्व दोष। बुध इस महीने नीच भी होंगे, राहु के साथ भी होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम की, कि इस महीने ग्रह आपको क्या देने वाले हैं। सबसे पहले ग्रहों की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं कि ये वृश्चिक राशि है, 8 नंबर लिखा हुआ है, इसमें चंद्रमा बैठा है, यानी आपकी वृश्चिक राशि है, यहां से पता लग जाए। तीसरे घर में मंगल शुक्र की होती है, चौथे घर में बुध, सूर्य और शनि बैठे हुए हैं, पंचम भाव में राहु है, छठे घर के अंदर गुरु बैठे हुए हैं और एकादश लाभ स्थान में केतु हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं राशि का मालिक ब्रह्मांड में कैसा है, कि हमने देखा कि आपकी राशि से तीसरे घर में मंगल शुक्र की युति बनती है। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि वृश्चिक राशि जिसके स्वामी मंगल हैं, यानी मंगल एक ऐसा प्लेनेट है जो साहसी है, लेकिन चंद्रमा उसी की राशि में नीच हो जाता है, यानी ऐसे लोग हार्ड दिखाई देते हैं लेकिन अंदरूनी रूप से सॉफ्ट होते हैं। तो ये जो चंद्रमा है यहाँ नीच का होता है, और नीच का चंद्रमा व्यक्ति को स्वभाव के अंदर भावुकता में भर देता है। आपकी राशि के मालिक मंगल हैं जो तीसरे घर में उच्च के ऊपर चल रहे हैं, कब तक, 14 या 15 मार्च के आसपास तक। अब मंगल राशि से तीसरे घर में गए उच्च के होकर, और जब उच्च का प्लेनेट हो राशि का मालिक हो, तो इस दौरान तीसरा घर होता है आपके सेल्फ एफर्ट्स और साहस का, तीसरा घर होता है आपके शौक का, तीसरा घर होता है जीवन में छोटी छोटी यात्राओं का, साहस के बल पर कुछ करने का, अपने बल पर कुछ करने का तीसरा घर होता है। इसलिए तीसरे घर में मंगल बैठे तो वो बलि है, क्योंकि शास्त्र कहता है मैलेफिक्स प्लेनेट इन मैलेफिक्स हाउस, के अशुभ ग्रहों का अशुभ भावों में जाना अच्छे फल देता है। तो मंगल यहाँ तीसरे घर में जब तक रहेंगे तो आपकी हिम्मत, जोश, साहस, आपकी योजनाएं, कार्य करने की क्षमता इसको प्रबल करेंगे। मंगल यहाँ से बैठकर 9th हाउस को देखता है, 9वां घर भाग्य का है, कि मैं अपनी मेहनत से भाग्य बनाऊंगा। कर्म भाव पर भी दृष्टि आएगी मंगल की, यानी मैं मेहनत करके कर्म को सफल कर दूंगा। मंगल का परिवर्तन होता है यहाँ लगभग 14 या 15 मार्च को, और मंगल यहाँ से निकलकर यहाँ आ जाएंगे। यहाँ है चौथे घर का मालिक शनि है, चौथे घर में मंगल आ जाएगा, यानी कह सकते हैं 14 मार्च के बाद भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित काम को लेकर सफलता के योग बनते दिखाई देते हैं। जैसा कि आपने देखा महीने की शुरुआत में ही 3 ग्रह यहाँ बैठे, और तीसरा, 3 ग्रह या 4 ग्रहों का संबंध अगर किसी एक भाव से बनता है तो उस भाव से संबंधित अधिक फल मिलते हैं। तो आप ये समझिए कि मंगल भी इस भूमिका को पूरी तरीके से निभाएगा। दूसरा ग्रह है शुक्र। शुक्र ग्रह 7 तारीख को यहां से निकलकर यहां आ जाएगा। अब इसको फिर समझने की कोशिश कीजिए कि चौथे घर में शनि, चौथे घर में मंगल, चौथे घर में ही सूर्य बुध और शुक्र 7 तारीख को यहां आएंगे, जो 12वें घर के मालिक भी हैं, बुध जो अष्टम का मालिक भी है। यानी इस दौरान जो लोग जीवन में ये प्रयास करते हैं कि मेरी नौकरी बदल जाए या मेरा ट्रांसफर हो जाए, उनके लिए ये समय अनुकूल है, उनको यहाँ प्रयास करना चाहिए, उनका काम होने की संभावना बनती है। ऐसी स्थितियों में मकान परिवर्तन, घर परिवर्तन, जगह परिवर्तन का भी योग बनता है। ऐसी स्थिति में बहुत बार देखा जाता है ट्रांसफर होना, या जो लोग किराए पे रह रहे हैं, रेंटल प्रॉपर्टी है, वो रेंट की प्रॉपर्टी से निकलकर दूसरी रेंट की प्रॉपर्टी में चले जाते हैं, यानी प्रॉपर्टी, यानी 4th हाउस रिलेटेड चेंजेस दिखाई दिया शुक्र की वजह से, क्योंकि शुक्र सप्तम का मालिक होकर यहाँ बैठा हुआ है। यानी इस समय सुख साधन बढ़ेंगे, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, या कह सकते हैं जीवन साथी मिलेगा, ये भी हमें शुक्र ग्रह से ही दिखाई दिया है। अब बनता है त्रिग्रही योग, बुध का, सूर्य का, शनि का। हमने देखा शनि चौथे का मालिक होकर चौथे घर में है, मंगल यहाँ आ रहा है, इसलिए हमें कुछ ना कुछ चौथे घर से संबंधित अच्छी स्थिति मिलेगी, जिसको हम कहते हैं भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ भी। सूर्य यहाँ पर बैठे हैं,
और सूर्य दशम भाव के मालिक हैं, और ये तीन ग्रह मिलकर तीनों दशम को देखते हैं। प्लैनेट जहां बैठते हैं और जहां देखते हैं दोनों जगहों को प्रभावित करते हैं। हमने इस वीडियो में लगातार इस बात को नोटिस किया है कि गोचर को देखिए, तीन ग्रह मिलकर दशम को देख रहे हैं। मंगल यहां से देख रहा है, बाद में देखा तो मंगल शुक्र यहां भी आ गए, यानी दशम भाव पर लगातार तीन या चार ग्रहों का संबंध है। और जब तीन या चार ग्रहों का संबंध है, दशम भाव पे है, इसका मतलब कर्म कार्य क्षेत्र बढ़ने की स्थितियां यहाँ पॉजिटिव नजर आती हैं। ये महीना प्रोफेशनली आपके लिए कुछ लेकर आया है, आपको कुछ पॉजिटिव देगा। अब आप देखिए, सूर्य बुध की बात करते हैं। बुध ग्रह 7 तारीख को यहां से निकलकर यहां आएगा, सूर्य 14 तारीख को यहां आएगा। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझें। मैंने लिखा हुआ है थंबनेल में कि इस महीने ग्रहण दोष बनेगा, इस महीने जड़त्व योग बनेगा। सबसे पहले बुध यहां से निकलकर पंचम भाव में नीच के हो जाएंगे और राहु के साथ मिलकर बनाएंगे जड़त्व योग। बुद्धि भाव में बुद्धि का मालिक नीच का हो जाए बुध ग्रह, राहु केतु एक्सेस में हो, तो सबसे पहले क्या है, अपनी गलती से नुकसान ना करें, अपनी शिक्षा का नुकसान ना करें, अपने निर्णय से कर्म कार्य क्षेत्र का नुकसान ना करें, अपने धन का नुकसान ना करें, जरूरत से ज्यादा बुद्धि ना चलाएं, शांत रहकर काम करें। सूर्य भी यहाँ आते हैं, सूर्य बनाते हैं ग्रहण दोष। अब कर्म भाव का मालिक अगर ग्रहण दोष में लिप्त हो जाए तो वो पंचम भाव में है। फिर से वही स्थिति आती है कि भाई 7 तारीख के बाद और फिर 14 तारीख के बाद आपको इस पूरे महीने में फैसले सोच समझ कर लेने हैं। ऐसी कोई भी जल्दबाजी आपको नहीं दिखानी है जिससे आपको लॉस हो जाए, क्योंकि जब इस प्रकार की स्थिति बनती है तो परिस्थिति आपको घेर लेती है, और जब घेर लेती है तो आप समझ में नहीं पाते और आपको प्रॉब्लम होती है। और यहाँ हम पहले से ही आपको बता रहे हैं कि आपके साथ ये चीज़ें होंगी, आप कंफ्यूज होंगे, आप भ्रमित होंगे, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब गुरु को देखिए, गुरु यहाँ बैठे हैं लेकिन इन पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है। गुरु की क्या स्थिति है, गुरु थोड़ा सा पीड़ित है। वो कैसे है, शनि की दृष्टि भी यहाँ है, मंगल की दृष्टि भी यहाँ, छठे घर में गुरु है, क्योंकि वो धन का मालिक है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जब तक बृहस्पति यहाँ हो, फाइनेंशली सिचुएशन थोड़ा अप डाउन रहेगी, आर्थिक फैसले सोच समझ कर लें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लीवर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा, ऐसे ही रोग देने में सक्षम है गुरु, जब वो ऐसे स्थिति में पीड़ित होता है। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, खर्च को संयमित करके चलना होगा इस महीने, इन बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि राहु भी गुरु की राशि में है और राहु गुरु का गया यहाँ। इसलिए शिक्षा पर भी पूरा ध्यान दें, क्योंकि पंचम भाव में बनेगा सूर्य राहु योग, पंचम में ही बनेगा बुध राहु जड़त्व योग, पंचम में ही राहु है और पंचम का मालिक गुरु यहाँ है, यानी शिक्षा को भी संभालें, निर्णय सोच समझ कर लें, प्रेम संबंधों को मजबूत बनाकर दें। तो ये था मेरा आज का एक विषय कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है मार्च 2024 का महीना। जय श्री राम।